हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ एक आईलाइनर की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि मैं जिस आईलाइनर की बात कर रही हूँ वो है रिकोर्ड का आईलाइनर, रिकोर्ड यूएसए ब्रांड। तो मुझे नहीं पता आप में से कितने जन इस ब्रांड के बारे में जानते हो, तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि मैंने इस ब्रांड का फर्स्ट टाइम मैंने कुछ परचेस किया है, तो इसलिए मुझे कैसा लगा है एंड बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इसका आउटर पैकेजिंग दिखाना चाहती हूँ। ये देख सकते हो इस टाइप का इसका आउटर पैकेजिंग है, नॉर्मल जिस टाइप का पैकेजिंग होता है वैसा ही है। पैकेजिंग के बाहर सारा डिटेल्स मेंशन है, प्रोडक्ट्स की प्राइस, क्वांटिटी, कैसे यूज करना है। साथ में यहाँ पर मेंशन है ये पिक्चर परफेक्ट आईलाइनर है विथ आर्गन ऑयल, मतलब इस आईलाइनर जो है इसमें आर्गन ऑयल है। तो मेरे पास यहाँ पर चार शेड है, एक्चुअली इस आईलाइनर में चार ही शेड है, तो मैंने चारों का चारों ही लिया है। आप देख सकते हो एक है ब्लैक, एक ग्रीन, एक है ब्लू मैट और दूसरा जो है ये ब्लू है, ये इस टाइप का ब्लू नहीं है, देख सकते हो डिफरेंट टाइप का ब्लू है और ये शिमरी जो ब्लू होता है वैसा है। तो अभी मैं आपको जो है इनर पैकेजिंग दिखाना चाहती हूँ। इनर पैकेजिंग जो है इस टाइप का है, बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत क्यूट है इसका पैकेजिंग एंड कम्प्लीटली मैट लुक है, बहुत ही अच्छा सा पैकेजिंग है, मुझे अच्छा लगा है। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है, बस इसका नाम मेंशन है, पिक्चर परफेक्ट आईलाइनर है एंड इसके नीचे जो है प्रोडक्ट की क्वांटिटी वगैरह ये सब मेंशन है इसके नीचे। तो इस आईलाइनर की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो अब तक मैंने जितने भी आईलाइनर यूज किया है उनमें से ये आईलाइनर मुझे सबसे बेस्ट लगा है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगा है, इसको अगर मैं ओपन करती हूँ तब देख सकते हो इसका जो अभी आप देख सकते हो इसका जो ब्रश है एकदम शार्प है। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, एकदम देख सकते हो शार्प है, एकदम पतला सा है। तो जो भी बिगिनर है उनके लिए इससे आईलाइनर अप्लाई करना बहुत ही इजी होगा एंड आप में से जिनको आईलाइनर लगाने में बहुत प्रॉब्लम होता है इससे आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत इजीली, मतलब बहुत जल्दी मैं इससे आईलाइनर जो है मैंने अप्लाई कर लिया है। आप देख सकते हो आज मैंने आईलाइनर अप्लाई किया है, ये ब्लू कलर मैंने अप्लाई किया है, यही वाला आईलाइनर अप्लाई किया है। तो ये ब्लैक कलर है, तो मैं एक एक करके आपको कलर जो है वो दिखाती हूँ तो आपको पिगमेंटेशन का पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर है, वन स्ट्रोक में आप देख सकते हो कितना ज्यादा पिगमेंटेड है एंड कितना अच्छा कलर पे ऑफ है इसका, जो मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। नेक्स्ट जो शेड है ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है, मुझे नहीं लगता इतना ब्यूटीफुल ग्रीन और किसी भी आईलाइनर के ब्रांड में है, तो मुझे ये शेड बहुत पसंद है। अभी तक मैंने यूज नहीं किया है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको यूज करने के लिए। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल एक ग्रीन कलर है, बहुत ही सुंदर है एंड कलर पे और पिगमेंटेशन सारे का जो है सारे आईलाइनर के एग्जैक्टली सेम है, ऐसा नहीं है किसी का पिगमेंटेशन थोड़ा कम है, किसी का पिगमेंटेशन ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है ये मैं ब्लू कलर जो मैंने अपने आईलिड में अप्लाई किया है आज, अब देख सकते हो वो मैं दिखा रही हूँ, ये है ब्लू कलर, ये ब्लू मैट है, बहुत ही सुंदर ब्लू है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक ब्लू भी नहीं है, नेवी ब्लू भी नहीं है, बहुत ही सुंदर सा ब्लू है, ऐसा ब्लू कलर है जो कि ऑल स्किन टोन में बहुत ही अच्छा लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है ये भी ब्लू है, ये ब्लू में शिमरी शेड है, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना सुंदर एक वाइब्रेंट शिमरी कलर का शेड है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसको आप एज ए आईलाइनर भी आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर चार शेड है, आप अच्छे से देख सकते हो कलर पे ऑफ पिगमेंटेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड शेड जो है बहुत ज्यादा प्यारा है, बहुत ब्यूटीफुल शेड्स है। तो मुझे पर्सनली आईलाइनर जो है बहुत पसंद है क्योंकि ये एक तो है आपका जो ब्रश है मैंने आपको दिखा दिया है, ब्रश बहुत अच्छा है, इससे इजी है, मतलब होता है ना यूज करना बहुत ही इजी है। सेकंड जो है पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, थर्ड जो है इसका कलर पे हो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, फोर्थ जो है ये कम्प्लीटली मैट है, ऐसा नहीं है कि लगाने के बाद काफी टाइम लगेगा मैट होने में, आप देख सकते हो यहाँ पर ये कम्प्लीटली मैट हो गया है। तो और एक चीज है, मोस्टली जो मैट आईलाइनर है मैंने एक प्रॉब्लम देखा है, मैट आईलाइनर जब भी हम अप्लाई करते हैं उसके थोड़ी देर बाद क्रैक हो जाता है, तो इस आईलाइनर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका आईलाइनर जो है बिल्कुल भी आईलिड में क्रैक नहीं होगा एंड ये कम्प्लीटली स्मच प्रूफ है। ऑल्सो ये बहुत बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, जिस दिन मुझे ये प्रोडक्ट मिला था नाइट में मिला
किया था, मैंने अपने हाथ में ऐसे स्वच्छ किया था, उसके बाद मैंने मतलब फेस वॉश करते टाइम हाथ धोया है, अगले दिन नहाया है, मैंने कोई मेकअप रिमूवर से रिमूव नहीं किया है। मैं ऐसे टेस्ट करना चाहती थी आईलाइनर कब तक रहता है, मतलब 24 घंटे तक आईलाइनर जो है वैसे ही था, बिल्कुल भी स्मज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो बाद में जब मैंने कोई मेकअप रिमूवर से, वाटरप्रूफ मेकअप रिमूवर जो है उससे रिमूव किया, तब जाके आईलाइनर रिमूव हुआ है। तो अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आपको एक वाटरप्रूफ मेकअप रिमूवर जो है उसी से ही आपको रिमूव करना है। नॉर्मली जो गार्नियर वाला मिलता है आप उससे रिमूव कर सकते हो। अभी अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ, इसका प्राइस जो है 325 है शायद, मैं एक बार देख लेती हूँ। सॉरी, इसका जो शेड्स है, शेड्स के ऊपर डिफरेंट प्राइस है। जो ब्लैक कलर है इसका प्राइस है 295, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। एंड बाकी जो है जो कलरफुल है उसका प्राइस है 325, तो बहुत बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। मुझे लगता है मतलब इतने कम प्राइस में क्या, मैं मुझे होता 1000 या फिर 600 ऐसे प्राइस में भी इतना अच्छा क्वालिटी का आईलाइनर नहीं मिलता है। मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, इसलिए मैंने अलग से इसके ऊपर आपके साथ रिव्यू शेयर किया है। मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। एंड ये कोई भी स्पॉन्सर वाला वीडियो नहीं है, मुझे कोई भी ऐसा कुछ बोला नहीं गया है इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। मुझे खुद ये प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा है इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और एक चीज है, इसका प्राइस तो मैंने आपको बता दिया है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने ये जब परचेज किया था ये सेल में था। एंड आप सोच नहीं सकते कितना, मतलब सेल जो है किस प्राइस में मुझे मिला है, 1 रुपीज करके मुझे ये आईलाइनर मिला है, जो कि मतलब इस टाइप का सेल इससे पहले किसी भी ब्रांड ने नहीं दिया है। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा है। बस शिपिंग चार्ज मुझे 50 रुपीज देना पड़ा था और ये आईलाइनर जो है मुझे 4 रुपीज में, आप सोच सकते हो, ओनली 4 रुपीज में मुझे ये 4 आईलाइनर जो है मिला है। मैं मतलब अभी भी मतलब सोच नहीं सकते, बिलीव नहीं कर सकते, ऐसा सच में हुआ है। तो अभी मुझे नहीं पता नेक्स्ट उनका कब सेल होगा, एंड सेल होगा भी कि नहीं, पर हाँ अगर आप इस प्राइस में भी लेते हो तो भी मैं आपको कहना चाहती हूँ ये बेस्ट आईलाइनर है, बहुत ही अच्छा आईलाइनर है। यहाँ पर ड्राई जब हो गया था उसके बाद मैंने आपको स्मज करके नहीं दिखाया है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देख सकते हो कम्प्लीटली स्मज प्रूफ है। मैं जोर जोर से प्रेशर के साथ इसको घिस रही हूँ, फिर भी आईलाइनर जो है बिल्कुल भी स्मज नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छा है, मतलब क्रैक नहीं होता। ये मुझे सबसे अच्छा बात, अच्छी बात लगा इस आईलाइनर में। मोस्टली जो मैट आईलाइनर होता है वो क्रैक हो जाता है और आईलिड में ना एक ड्राइनेस फील होता है। तो मैंने ये अप्लाई किया है शायद अभी तक 3 घंटे हो गया है, तो मुझे अभी तक मेरे आईलिड में बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होता, जो कि मैं इससे पहले मैट आईलाइनर में फील कर चुकी हूँ। इसलिए मैं मैट आईलाइनर यूज करना ही बंद कर दिया था। एंड मैंने होता है ना वाटरप्रूफ जो आईलाइनर है, मैट है, वो ना यूज करके नॉर्मल आईलाइनर यूज करती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मतलब ड्राइनेस फील होता था आईलिड में और वो क्रैक हो जाता था। ये इस आईलाइनर के साथ ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अब तक का मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये अब तक का ये बेस्ट आईलाइनर है, जो भी आईलाइनर मैंने अब तक यूज किया है लिक्विड आईलाइनर में से, ये आईलाइनर में से ये बेस्ट है। तो मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आप एक अच्छा आईलाइनर लेना चाहते हो, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर लेना चाहते हो, डेफिनेटली आप ये परचेस करो। ऐसा हो कि आप ज्यादा एफोर्ड कर सकते हो एंड एक्सपेंसिव आईलाइनर ले सकते हो, तब भी मैं आपको बोलूंगी आप एक्सपेंसिव आईलाइनर मत लो, आप यही आईलाइनर लो। इस आईलाइनर का जो रिजल्ट है वो आपको एक्सपेंसिव आईलाइनर जो है उसमें भी नहीं मिलेगा। कहाँ से आपको परचेज करना है, रिकॉर्ड का जो है अपना एक इंस्टाग्राम में एक आईडी है, वहां पर आप स्टोर है, वहां पर आप डायरेक्ट उनसे बात करके भी ले सकते हो, या फिर रिकॉर्ड का अपना एक साइट है वहां से भी आप परचेज कर सकते हो, या फिर कुछ डीलर्स भी है जो रिकॉर्ड के आईलाइनर या रिकॉर्ड का कोई भी प्रोडक्ट जो है मिलता है। बाकी और भी प्रोडक्ट्स है रिकॉर्ड में, मैंने अभी तक कुछ भी यूज नहीं किया, फर्स्ट टाइम मैंने आईलाइनर यूज किया, डेफिनेटली मैं बाकी प्रोडक्ट भी यूज करूंगी। तो जो रिकॉर्ड का जो अपना साइट है या फिर जो डीलर से जो रिकॉर्ड के प्रोडक्ट्स सेल करते हैं उनसे भी आप ये परचेस कर सकते हो। सो यही था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर मैं अभी जिस लुक में आई हूँ, ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है आपको देखना है, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। मैं IGTV वीडियो में ये जो मेकअप ट्यूटोरियल है बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ, शायद ये वीडियो जब तक मैं अपलोड करूंगी उससे पहले मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी होंगी, तो आप वो चेक कर सकते हो। एंड सॉरी बैकग्राउंड में आवाज हो रहा है, तो प्लीज आप उसको इग्नोर कीजिएगा। तो अगर आपको, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना मत भूलिएगा। और मेरा एक और एक नया बंगाली चैनल है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, आप में से जो भी बंगाली हो वो चैनल जो है चेकआउट कर सकते हो। वो कम्प्लीट एक ब्लॉग चैनल है, सब टाइप के जो वीडियोज है उसमें आपको मिल जाएंगे। सो आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।